नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना सिटी के मालसलामी सिमली स्थित प्राचीन शिव मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न रास्तों से होते हुए देर शाम गाय घाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर पहुंचा। गाजे बाजे और ऊंट घोड़ों के साथ निकाले गए इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा के मौके पर तरह तरह की झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जो बरबस ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचता नजर आया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी शोभा यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने महाशिवरात्रि को हिंदुओं का महान पर्व करार देते हुए प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नंद किशोर यादव ने प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पटना सिटी में शोभा यात्रा निकलती है। जो शोभा यात्रा की समिति है उनके द्वारा आयोजन होता है। पूरा शहर आज शिवमय है। शिव आदि गुरु है और सभी लोग आदि गुरु को नमन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर समस्त पटना सिटी वासियों को और समस्त बिहार वासियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करता हूं सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें।